वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी जिप्सी। उर्दू के प्रख्यात शायर मजरू सुल्तानपुरी साहब ने बड़ा ही खूब कहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसी उम्मीद से कि आप मेरे छोटे से कारवां में जुड़ते जाएंगे, चलिए आज मैं आपको बुसान की यात्रा पे ले चलती हूँ। बुसान इज़ अ पोर्ट सिटी ऑफ साउथ कोरिया। इट्स नोन फॉर इट्स बीचेस, माउंटेन्स एंड टेंपल्स। साउथ कोरिया में इंचियन एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ, आई एम सो एक्साइटेड। और यहाँ से मैंने बस ली है बुसान को। सी यू इन बुसान। मेरे इस सोलो सफ़र की शुरुआत होती है सिंगापुर से। लगभग 7 घंटे में मैं सिंगापुर से सोल पहुंच गई, और सोल पहुंच के रादर देन टेकिंग ट्रेन टू बुसान, आई प्रेफर बस टू बुसान फ्रॉम द एयरपोर्ट। और 5 घंटे में मैं बुसान में। पूरे सफ़र का रास्ता बेहद ही खूबसूरत था। इट वॉज़ अ ब्रेथ टेकिंग व्यू विद पाइन ट्रीज ऑल अराउंड। वैसे आप बुसान ट्रेन से भी जा सकते हैं, पर उसके लिए आपको इंचियन एयरपोर्ट से सोल स्टेशन जाना होगा, फिर वहां से बुसान के लिए ट्रेन लेनी होगी जो लगभग आपको 2.5 घंटे में बुसान पहुंचा देगी। देयर आर मैनी अट्रैक्शंस। हेयर आर द वंस विच आई विजिटेड। आई ट्रेवल्ड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। इट वॉज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ कोरिया। क्या करें, नौकरी में जब छुट्टी मिलती है तभी ट्रैवल कर सकते हैं, नौकरी के साइड इफेक्ट्स। इफ़ यू हैव प्लान्स टू विजिट, ऑटम एंड स्प्रिंग आर द बेस्ट सीजन एज डेज आर वार्म एंड सनी विद क्लियर ब्लू स्काइज। आज मैं बुसान का सिटी टूर कर रही हूँ। सिटी टूर में सबसे पहला मेरा स्टॉप है डोंग योंगशा टेम्पल, जो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जो अराउंड 1376 में बिल्ट हुआ था, और ये क्लिप पे सिचुएटेड है। क्लिप से टेम्पल का व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है काफ़ी। लाइट हाउस कहते हैं। फॉर इट्स कर्व स्काई वॉक। स्काई वॉक पर वॉक करते हुए ग्लास से नीचे आप ओशन का व्यू देख सकते हैं, और इस बीच पे रेस्ट करिए और वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करिए। Give me a feeling, if you believe in me, hold me and let me in, if you are ready.
Gyeongju Cultural Village. This place is famous for its tiny little colorful houses. Agar aap Instagram lover hain, then this is the perfect place to take n number of pictures with most colorful background and then share on your social media accounts. Tiny streets, steep stairways and colorful art at every place. Here on the beach, one of the most beautiful and most famous beach of South Korea. It was a full moon night. I still remember those waves sound. They were mesmerizing. बीच पे रिलैक्स करने के बाद और आप बीच एरिया से जब बाहर आते हैं और रोड क्रॉस करते हैं, you have numerous dine out options as well. Thanks for watching this video. और मैं अब निकलती हूँ अपनी दूसरी मंजिल की ओर और आपसे जल्दी फिर से मुलाकात होगी एक नए अनजाने शहर में और उसकी नई कहानियों के साथ. Till then, stay tuned. If you like this video, give thumbs up and do subscribe to Desi Gypsy.